भाग नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद एटा का है, जहां कल रात ईगो और मैक्स एक्सीडेंट से दो लोगों की मौत को लोग भूल भी नहीं पाए थे। तब तक आज फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जनपद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पर सवार तीन मासूम बच्चे घायल हो गए हैं, जिनको सीएससी में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। एटा से शिवम कश्यप की रिपोर्ट। अच्छा, अभी सीएससी पर एक पेश में घायल आया हुआ था, क्या पूरी जानकारी है? अभी 108 द्वारा लाया गया है, तो ये मृत अवस्था में लाया गया है, एक्सीडेंट हुआ था उसके मौत हो गई। क्या नाम है आपका? बेटा, आप अलीगंज अस्पताल में आए हो, एक बॉडी है, कैसे हादसा क्या हो गया ये? हम लोग उधर से आ रहे थे, भाई का बर्थडे था दीदी के लड़के का, तो सामने से गाड़ी आई, उसने मार दी टक्कर। कौन कौन बैठा था बाइक पे? मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और चाचा। कोई एक्सपायर हो गया? हाँ। कौन एक्सपायर हो गया? चाचा जी हमारे। पुलिस मौके पर गई थी? नहीं, बहुत बार फोन किया, वो लोग आ भी नहीं रहे थे, फिर एक तो वो शायद पुलिस में ही लगे थे, तो वो आए, तब उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी फौरन भेजा, तब आई पुलिस।